नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संतोष यादव मैथ्स पर। और जैसे कि हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात कर रहे थे, उसी में मैंने जो प्रीवियस वीडियो डाला था उसमें आखिरी में आपने देखा होगा, जो आपने सॉल्व किया होगा, उसमें मैंने एक ही क्वेश्चन करके उसी चीज को मैं वहां कंटिन्यू कर रहा हूँ। वहां हो नहीं पाया था, उस वीडियो का गड़बड़ हो गया था तो वहां काटना पड़ गया था, तो पहली चीज। दूसरी चीज बच्चे, जैसे कि आपको मालूम है कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ बंद पड़ा है, तो ये सारा जो सेटअप हमने घर पर किया है, कोशिश की गई है, सारी चीजें अवेलेबल तो नहीं थी अभी, तो हो सकता है थोड़ा सा क्वालिटी के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, तो बस काम चल जाएगा आपका, मुझे बताना है ज्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। तो अब मैं इसको यही कंटिन्यू कर रहा हूँ। देख मैंने क्या क्वेश्चन रखा था उसी तरीके के क्वेश्चन के साथ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ आती है, किस तरह की समस्या थी। मैंने ये बोला था, जैसे मान लो ए और बी कोई दो लोग हैं, और इसमें ऐसे देता है कि लेट्स से 2010 में ए और बी की इनकम के रेशियो 4:7 दे दिए। 2010 में ए और बी की इनकम के रेशियो 4:7 दे दिए। तो आपसे पूछेगा कि भैया ये बता दो कि 2011 में इनकी इनकम के रेशियो क्या होंगे। मैंने बोला ये A:B पूछ रहा है, हमने अपनी मर्जी से मान के छोड़ दिया। और इसको निकालने के लिए, क्योंकि इस रेशियो से ये रेशियो अगर निकालना है तो कोई ना कोई लिंक इन रेशियो का आपस में दे रहा होता है, ठीक है। तो मान लो वो रेशियो का लिंक कैसे दे रहा है, मैं ये बोल दूं कि सर ये 3:2 लेट्स से 2 के रेशियो में है, और मैं यहां से बोल देता हूं कि ये 4:5 के रेशियो में है, ठीक है। मैं तो फिर रिपीट कर रहा हूं कि भाई 2010 में ए और बी की इनकम का रेशियो 4:7 है, तो 2011 में निकालना है, हमें ये दे रखा है कि ए का 2010 और 11 में इनकम का रेशियो 3:2 है, और बी का 2010 और 11 की इनकम का रेशियो कितना है हमारा 4:5। ये लिंक हमें दे रखा है, इसको निकालने के लिए मैंने आपको बताई थी दो बातें, मैं एक बार फिर सारे रिपीट कर देता हूँ, फिर समझने की कोशिश करना। क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं इसलिए चीजों को मैं थोड़ा सा एक दो स्टेप कई स्टेप ज्यादा ले रहा हूँ, उसके बाद बिना समय हमें देना नहीं होता इन सारी चीजों में। तो मैंने ये बोला था, देखो सबसे पहले बेसिक तरीका तो मैंने बताया था कि भाई मुझे ए चाहिए और बी चाहिए, तो मुझे ये चाहिए भाई, मैंने पकड़ लिया, मान लो ए पकड़ लिया, तो मुझे ये मालूम है कि A/4 जो है, A/4 यानी कहने का मतलब ये कि ये 3 है तो ये 2 है, ठीक है, या मैं बोलू ये 2 है तो ये 3 है, तो ए कितना है 2, तब बी कितना, तब हमारा 4 कितना है 3, यानी ये 2 है तो ये 3 है। तो यहां से मैंने बोला सर ए कितना आ जाएगा, यानी यहां से ए कितना आ जाएगा, आप ये बोलो ए आ जाएगा 4×8/9, ठीक है। ऐसे ही मैंने बोला सर B/7, तो बी अगर 5 है तो 7 कितना है 4, तो यहां से बी कितना आ गया, बी हमारा सर आ गया 35/4, कितना आ गया सर बी हमारा आ गया 35/4। मुझे चाहिए क्या सर, ए और बी का रेशियो चाहिए, तो इनमें कुछ कट रहा है ए अनुपात भी कुछ नहीं कट रहा, तो 8×32:35 दिया, तो हमारी ये रेशियो सर कितने आ गए 32:105, 32:105, 32:105। ये एक तरीका था करने का। दूसरा मैंने क्या बताया था कि सर आप इन चीजों को ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि मैं ये अलग अलग तरीके इसलिए बता रहा हूँ कि न जाने बच्चे किस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल हो, और एक बार जब आप सीख जाते हो तो अपने तरीके से आप प्रायोरिटी दे देते हो। प्रायोरिटी का मतलब कि भाई मुझे ये तरीका ठीक लग रहा है, मुझे ये तरीका अच्छा लग रहा है। मैंने क्या बताया था सर, ये कितना 3:2 का रेशियो बताया था, ये मैंने 4:5 का रेशियो बताया, राइट, यही किया था। तो हमने बोला क्या करते हैं सर, हम ये देखते हैं, समझने की कोशिश करना। मैंने बोला अगर ये 3 है तो ये 2 है, अगर ये 3 है तो ये 2 है, तो मैंने बोला अगर मैं इसको 6 बोलूंगा तो ये 4 बोल दूंगा, मतलब अगर ये वाला यहाँ पे 3 रहा होता, 4 की जगह ये 3 रहा होता, इसको मैं फटक से 2 लिख देता, अगर ये 30 रहा होता तो इसको मैं 20 लिख देता, क्योंकि इसका और इसका रिश्ता 3:2 का है, तो 3:2 का ही बना रहना चाहिए। तो मैंने बोला इसको 3 का मल्टीपल में बनाने की कोशिश कर रहा होता, तो मैंने 3 का बना दिया, 3 का मल्टीपल बन गया। मैंने बोला ये 4 है तो ये 5 है, तो इसको मुझे 4 का मल्टीपल बनाना है, तो मैंने 4 का भी गुणा कर दिया ऊपर, ठीक है। तो 4×12=48 इसे बनाया, और 4×12=84 इसे बनाया,
तो मैंने ये बोला सर आप ये समझो ये 48 है, ये 3 है तो ये 2 है, तो मैंने बोला ये कितना गुना हो गया 3 से, तो आप बोलोगे 3 × 3 और 6 × 18, ठीक है, यानी 3 से ये 16 गुना है, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो 2 से भी 16 गुनी होगी, तो 16 × 32। ऐसे ही मैंने बोला सर ये 4 है तो 4 से ये कितना गुना हो गया 21 गुना, तो यहाँ पे भी जो 5 से जो वैल्यू आएगी वो भी 21 गुनी आएगी, ये कितना आएगी 105, ठीक है, 32 × 105। इन चीजों को आप तीसरे तरीके से भी समझ सकते हो। तीसरा तरीका क्या है सर, आप सीधा सोचो, मतलब अगर मान लो तुम्हें फ्रैक्शन से डर नहीं लगता, अगर मान लो आपको फ्रैक्शन से डर नहीं लगता, तो आप सीधा देखो हमें क्या कहना चाह रहा है, हमें ये कहना चाह रहा है सर कि भैया यहाँ 3 है तो यहाँ 2 ला दो, अगर यहाँ 3 होता तो 2 लाते, है कितना 4, तो भैया ये 4 है तो मैं बोलूंगा 3 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे देखो आप बोलोगे 3 = 4 है, यानी ये 3 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 = 4 है तो 1 = कितना होगा, आप बोलोगे सर 4/3, 3 = 4 है, तो मैं अगर यहाँ 3 रखूंगा तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर 3 रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को, तो 1 रेशियो किसको रिप्रेजेंट करेगा 4/3, 3 रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को, तो 1 रेशियो रिप्रेजेंट करेगा 4/3 को, लेकिन मुझे चाहिए कितना 2 रेशियो, तो 2 रेशियो कितने को रिप्रेजेंट करेगा 4 × 8/3 को, 8/3 को। ऐसे ही मैंने बोला यह 4:7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन 4:7 तो 1:7 कितना आ जाएगा सर 7/4, लेकिन मुझे चाहिए कितना 5 रेशियो, तो 5 रेशियो कितना, देखो इसमें सीधा देख लो 7 × 35 = 8, कुछ कॉमन नहीं है दोनों रेशियो बनाने, तो इसका यहाँ गुणा हो जाएगा 8 × 32 ये हो गया 3 × 7 = 35 = 105, तो हम लोग ऐसे भी कर लेते हैं, ये सिर्फ आपको सिखाने के तरीके, हम लोग ऐसे भी कर लेते हैं, समझ, ठीक है सर। मैं एक सवाल और रखता हूँ, मान लो यहाँ पे 2 रेशियो की जगह 3 रेशियो होते, कितने रेशियो होते सर 3 रेशियो होते, यानी मैं बोल देता कि ए अनुपात बी अनुपात सी, A:B:C, 3 रेशियो में ले लेता, ठीक है, मैं बोलता कि A, B और C का कोई भी ईयर ले लेता हूं मैं अपनी मर्जी से, हम इसमें लास्ट ईयर और करंट ईयर की भी बात कर लेते हैं, ठीक है, ऐसी लैंग्वेज आएगी, मैं कुछ क्वेश्चन भी रखूंगा जो एग्जाम में आए, तो मैंने ये बोला मैंने कोई भी ईयर ले लिया, मतलब मैंने ले लिया 2019, ठीक है, मैं ये बोलता हूँ 2019 में A, B और C की इनकम के रेशियो 2:3:4 है, 2019 में ए बी और सी की इनकम के रेशियो कितने हैं सर 2:3:4, तो आप 2020 में इनकी इनकम के रेशियो बताओ कितने होंगे, 2020 में इनकी इनकम के रेशियो बताओ कितने होंगे। इस चीज को निकालने के लिए हमें लिंक क्या दे रहा, समझने की कोशिश करना, 3 है तो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, आपके सामने के लिए ये कह रहा है कि 2019 और 20 मैं यहां भी लिख सकता हूं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं चाहूं तो नीचे भी लिख सकता हूं समझाने के लिए, आप समझ लो कि ये बोल रहा है कि भैया 2019 और 20 में एक ही इनकम की रेशियो, मान लो मैंने बोल दिया 4:3 है, यानी ये 4 है तो ये 3 है, बी की इनकम के रेशियो मान लो मैंने बोल दिया 4:5 और सी की इनकम के रेशियो मान लो मैंने बोल दिया 8:7, ठीक है, तो मुझे बताना है कि 2020 में यानी ये A:B:C कितना होगा, यानी 2020 में इनकी इनकम के रेशियो क्या होगी, तो मैंने बोला देखो बच्चे आपकी अपनी समझदारी है, फ्रैक्शन से डर नहीं लगता तो आप डायरेक्ट भी इन चीजों को बोलने लग जाते हो, कैसे सर आप ऐसे देखो कि भैया ये 4 है यहाँ तो यहाँ कितना होगा सर 3 होगा, तो मैंने बोला 4 अगर रेशियो आप मन से मेंटली सोचो 4 रेशियो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 रेशियो कितने को रिप्रेजेंट करेगा सर 2/4 यानी आधे को, तो 1/2 को 1 रेशियो रिप्रेजेंट करेगा तो 3 रेशियो कितने को रिप्रेजेंट करेगा सर 3/2, आप चाहो तो ऐसे बोल सकते हो कि जो मेरा 4 रेशियो है, क्योंकि मुझे ये मालूम है ये 4 रेशियो तो 3 रेशियो होगा, तो मैं बोलता हूँ जो मेरा 4 रेशियो या 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 रेशियो कितने को रिप्रेजेंट करेगा 1/2 को, तो मुझे चाहिए कितना 3 रेशियो 3/2, इस चीज को मेंटली भी कर लेते, ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ आए, मैंने बोला भैया 4 रेशियो चूंकि चाहिए तो मुझे ये मुझे मालूम है ये 4 है तब ये 5 होगा, यानी ये 4 है तो यहाँ 5 हो जाएगा, तो हम जो चाहिए होता है उसको पकड़ते हैं, चूंकि ये रिश्ता बना रहा हमारा, तो मैंने बोला सर 4:3 को रिप्रेजेंट करा तो 1:3/4 को,
तो 5:5 15:4 आप मेंटली भी कर सकते हो। मैंने बोला सर 8:4 को रिप्रेजेंट करना, 8:4 को 8:4 यानी आप ऐसे बोल सकते हो 8x 4, ठीक है आप ऐसे ही बोल सकते हो। कैसे आपकी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरा 8x है तो 4 के बराबर है, मुझे चाहिए कितना 7x, 8x 4 के बराबर 7x चाहिए, सब में यही किया है मैंने। तो मैं बोलूंगा ये 8x 1/2 के बराबर हो गया और 7x कितने के बराबर हो जाएगा तो 1/2, तो 7/2 ये कितना हो गया 7, ठीक है सर। आपको मालूम है कि इसमें अगर मैं 4 का गुणा कर दूं तो मेरा रेशियो सब काम खत्म हो जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा, बोलो 2 × 2 = 4, 15, 4 × 2 = 7, 7 × 4 = 8, ये मेरे आंसर। आप अपने समझदारी के लिए चाहते हो तो एक बार ऐसे और समझ लो। मैंने क्या बोला था सर, समझने की कोशिश करना। मैंने रेशियो क्या बताए थे इसके, ये रेशियो जो मैंने अभी बताए थे जहां तक मुझे लग रहा है, मैंने ये बताया था 4:3 का रेशियो, ये मैंने बताया था 4:5 का रेशियो, ठीक है, और ये मैंने शायद आपको बताया था 8:7, राइट। मैंने मेंडल उठाया था बाय डिफॉल्ट मुझे आ रहा है। तो मैंने ये बोला सर मुझे ए बी सी चाहिए, मैंने इसको ए पकड़ लिया, इसको बी पकड़ लिया, इसको सी, समझ ना मेरी बात। तो मैं सीधा पकड़ू, मुझे जो चाहिए ए बटे में 2 बराबर कितना है सर, ए उल्टा लेके चल रहा हूँ समझने की कोशिश करना, तो 3/4, तो ए बराबर कितना आ गया 3, सही कर रहा हूँ 3/4, 6/4 काट लेंगे बाद में कोई दिक्कत नहीं। ऐसे मैंने बोला सर बी बटे में कितना, बी बटे में 3 बराबर 5/4, बी बराबर कितना आ गया 5 × 3 = 15/4। ऐसे ही सर मैंने बोला सी बटे में सी बाई फोर कितना दे रखा मुझे 7/8, तो सी बराबर कितना देखना कितना 7/8 आपने बोला सीधा सा कितना दे रखा है सर 6/4, 15/4 और 14/4 देखो यही मेरा आंसर, ठीक है। बाकी अगर आप मेंटली थोड़ा समझ लेते हो, थोड़ा फ्रैक्शन में दिमाग में चलता तो ये मेंटली हो जाता है। बस ये ध्यान रखना जब हम थोड़ा सा चीज स्टेप कटिंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अगर तोड़ मरोड़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस समय कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है, प्रैक्टिस होती है तो होने लगता है, ठीक है सर। समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कैसे नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन रख देता हूं इसके, इसमें आपको जो समझने वाली बात है, देखो मैंने अभी एक चीज है जो मैं अवॉइड, एक चीज है जिसको मैं ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन बच्चा उसमें गलती कर सकता है। क्या गलती कर जाता है बच्चा, समझने की कोशिश करना। जैसे जब मैं इन रेशियो से दूसरे रेशियो बना रहा हूं तो देखना ना, हमें ध्यान रखना कैसे, एक सवाल के थ्रू आपको रखने की कोशिश करता हूँ, जानने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ देखना सब, मैं आपको समझा दू। जैसे मैं ए अनुपात बी, मैं यहाँ पे इस रेशियो को 4:5 समझने की कोशिश करना, ठीक है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि सर ये अगर 3 रेशियो है तो ये 4 है, मान लो मैं ये बोल दूंगी ये 4 रेशियो है तो ये 5 है, समझ। और मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, और मान लो ऐसा हो कि आपको इन रेशियोज की वैल्यू दे रखी हो, या फिर इनका सब दे रखा हो, या फिर इनमें से इंडिविजुअली किसी की वैल्यू दे रखी हो, चार इसका कोई सब दे रखा हो, इंडिविजुअली वैल्यू दे रखी हो, उससे ये पूछ रहा हो तो समझना हमसे गलती क्या हो सकती है, या हमें किस चीज का ध्यान रखना जानने की कोशिश करें। मैं आपसे बोलूंगी बताओ सर ए अनुपात बी कितना है, समझने तो मैं सीधा ऐसे बोल दूंगा, देखो अब आप समझदार हो गए तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ, देखो 3 = 4, 1 = 4/3, 4 = 4, 16/3, समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ 16/3। ऐसे मैं बोलो 4 = 5, तो 1 = कितना हो जाएगा सर 5/4, तो 5 = 25/4, समझने की कोशिश करो। अगर मैं आपसे यह पूछू कि यहाँ पे इसमें मान लो ये 2015 था तो ये 2016 ले लेता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये एक साल का डिफरेंस होगा, मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये 2015 है तो ये 2018 है, हम इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता इनमें एक साल का अंतर है या 2 साल का अंतर है, हमें बस रेशियो का लिंक देना चाहिए,
यानी ये लिंक देना चाहिए कि ये जो भी ईयर दे रखे, चाहे 15 दे रखा है, चाहे 18 दे रखा है, ये 20 दे रखा, 25, चाहे 1 साल का गैप है, चाहे 2 साल का गैप है, चाहे 3 साल का गैप है, बस इनमें लिंक पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ 2016 में इनके रेशियो अगर मैं बात करूं, सिर्फ रेशियो की बात करूं, 16:64:25 दिया, समझने की कोशिश करना, 25 दिया 75। अगर मैं ये बोलूं, समझने की कोशिश करना, अगर मैं बोलूं 2015 में एक ही वैल्यू, 2015 में मैं ये बोलूं कि एक ही जो इनकम थी, मान लो मैं बोल देता हूं आपका 4800 रुपए थी, 4800 थी, तो मैं बोलूं एक ही 2016 में इनकम बताइए। समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि एक ही 2015 में कितनी थी सर, 4800। तो आप ऐसे नहीं कह पाएंगे, यहाँ पे बच्चा कभी कभी जोश जोश में क्या कर जाता है कि 4 रेशियो कितना, 4800। समझना कि 4 रेशियो 4800। तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1 रेशियो मेरा आ गया कितना, 4 × 8, 4 × 4 और 4 × 8 1200, तो बच्चा 64 रेशियो निकाल रहा होगा। यही यही खानी खत्म हो जाती है। आपने बोला सर क्या कहना चाह रहे, मेरी बात समझना सर, मेरी बात समझना, आप ये जानते हो जब ये 3 है तब ये 4 है, क्योंकि इनका आपस में रेशियो है ना कितने का, 3:4, यानी यहाँ का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इस बारे रेशियो में तभी तक यूज हो सकता है जब तक ये 3:4 के रेशियो में है। समझना, यहाँ पे ये 3:4 के रेशियो में, यानी जब ये 4 है और ये 16:3 है तब तो इन्हें आपस में लिंक है, क्योंकि 4:16:3, समझने की कोशिश में करना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तब तो इनमें आपस में लिंक है, कितने का, 3:4 का। आपने बोला कैसे, तो 4×16 3 अंदर आ गया, तो कितना आ गया, 3:4, यानी अब तो मैं यूज कर सकता हूं। यानी यहां पे अगर 4 बराबर कहने का मतलब यह, अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठू ना, तो 1:1200 है ना, तो मैं इसकी वैल्यू निकालने जाऊंगा 16:3 रेशियो निकालूंगा, तब तो मेरा आंसर आ जाएगा, तो 16:3 रेशियो कितने का, 1200, 3×12 और 16×64, दिस इज द राइट आंसर, 64 रेशियो निकाल सकता भैया, समझ रहे। आपने बोला फिर और मैं ऐसा भी कर सकता हूं सर, आपने बोला सर अगर मालूम है इसको 64:5 कुछ अच्छा बनाना चाहता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे 64:5 जो भी किया था कितना किया था, 75, मैं इसी को यूज करना चाहता हूं, तो मैंने बोला सर हमेशा ध्यान, जब भी हम रेशियो बना रहे होते हैं तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, बेसिकली 12 से गुणा कर दिया था, तो 12 से गुणा किया था तो ये अच्छा बन गया था, तो मैंने कैसे किया, 3×12 16×64 4×12 और 25×75, ये ध्यान रखना कि हमें ये मान में ये गुणा ना करूं, तो अब ये अभी रेशियो ना 3:4 के रेशियो में, यानी लिंक है इनमें आपस में, तो अब मैं जो भी छेड़खानी करूं, यहां 12 का गुणा करा तो यहां भी 12 का, यहाँ 12 का गुणा किया तो मैं यहाँ भी 12 का गुणा करूंगा, नहीं तो अगर इससे मैं ये वैल्यू निकालना चाहता हूं तो ये रेशियो ऐसा है तो इसको मुझे ऐसा ही रखना पड़ेगा, यानी अगर मुझे यूज करना है तो इसको 16:3 और 25/4 रखूंगा, अगर इनको मैं 4:5 रखना चाहता हूँ, बाकी अगर इनका इंडिविजुअल रेशियो निकालना हो कि इनका आपस में क्या रिश्ता है तो इनको अलग हटा के यूज कर सकते हैं, यानी अगर इनको 64:75 मैंने किया, इनको मैंने कोई चेंज नहीं लाया तो इनका इनसे रिश्ता खत्म हो गया। हाँ, जब इनका इनको निकालने में यूज हुआ फिर रिश्ता खत्म हो गया, कई बार लोग रिश्ते तोड़ लेते हैं, एक बार काम करके रिश्ता टूट जाता है, ठीक है। हाँ, इनसे रिश्ता बनाए रखना चाहते हो तो जो इनमें चेंज करोगे, जैसे इनमें 12 का गुणा हुआ तो इनमें भी 12 का गुणा करना पड़ेगा, ये छोटी सी बात है जो बच्चा कई बार गलती कर सकता, आगे भी ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, आगे भी चल के ये चीज बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, तो मैं कुछ क्वेश्चन रखता हूँ इस चीज से, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे वो क्वेश्चन आएंगे। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ रहा हो, आप पढ़ लेना, क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, पहला मैंने क्वेश्चन लिखा है कि ए और बी दो लोग हैं, ये कह रहे ए और बी की वन ईयर है, वो एक साल पहले, ए और बी की एक साल पहले इनकम के रेशियो 3:5 थे, ये कह रहे सर एक साल पहले, कौन सी एक साल पहले, जब भी आप सवाल सॉल्व कर रहे हो उससे एक साल पहले, इस साल में सॉल्व कर रहे हो तो इससे एक साल पहले, 20 में कर रहे हो तो 19 बन सकते हो,
आप कुछ भी मान सकते हो, आप 4 साल बात करो उससे 1 साल पहले, ठीक है। तो आप चाहो तो अपनी मर्जी से, कंफ्यूजन ना हो तो अपनी मर्जी से तुम इयर्स भी मान सकते हो कि आज से 1 साल पहले कितना रहा होगा, 2019। तो ये कह रहे 1 साल पहले ए और बी की इनकम का अनुपात था सब 3:5:5, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि लास्ट ईयर इनकम टू करंट ईयर इनकम, यानी लास्ट ईयर कौन सा 1 साल पहले 2019, और करंट में कौन आ गया सर 2020, इनकी इनकम के जो अनुपात है सर वो कितने दे रखे हैं 2:3, कितने दे रखे हैं सर 2:3, और कितने दे रखे हैं सर 4:5। ठीक है, अगर प्रेजेंट में इनकी इनकम, समझना, प्रेजेंट में इनकी टोटल इनकम, यानी जहां जो भी आएगा, जहां जो भी रेशियो आएंगे, इनका टोटल दे रखा, टोटल कितना दे रखा है सर 4300। तो ये कह रहे हैं तो उनकी वर्तमान में अलग अलग आय ज्ञात करनी, यानी प्रेजेंट में उनकी आय ज्ञात करनी, वर्तमान में उनकी आय ज्ञात करनी। तो ये तो अभी आसान हो गया, इसमें तो मुझे मालूम है कि देवी यही वाला रेशियो का टोटल रखा है। समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि देवी इसी रेशियो का टोटल रखा है, जो भी यहाँ रेशियो आएगा 2020 में, जो भी रेशियो आएगा, जो भी रेशियो आएगा वही मुझे दे रखा है, तो मुझे टेंशन नहीं। इससे अगर ये पूछना होगा तो टेंशन है, कैसे अभी मैं बताता हूँ। मान लो मुझे पूछा पहले तो मैं वो निकालता हूँ कि इनकी अलग अलग आय निकालनी किसमें 2020 में, तो सबसे पहले रेशियो निकालो। तो मैं बोलूंगा 2 = 3, तो 1 = कितना हो जाएगा 3/2, तो 3 = कितना होती है 9/3, ठीक है। समझ पा रहे तो जब मैंने समझाया तो काफी डिटेल में किया था, लेकिन एक बार चीज समझ आ गई तो अब टेंशन नहीं, ठीक है। ऐसे ही जब मैं थोड़ा सा आपको समझा दूंगा, जैसे एक दो बच्चे ने कमेंट किया था कि सर थोड़ा सा लेवल लो हो रहा है, या फिर मैं बोलूं बच्चों को लग रहा होगा, मैं थोड़ा स्पीड मैंने स्लो कर रखी है, टेंशन मत लो बच्चे। मेरे जो बच्चे हैं ऑफलाइन मुझे पढ़ते हैं तो वो जानते हैं अच्छे से कि भाई मेरा पढ़ने का लेवल क्या है, ठीक है। मैं ऑनलाइन में बहुत ज्यादा रहा नहीं हूँ, इसलिए मेरी पॉपुलरिटी है नहीं ऑनलाइन में, लेकिन जो बच्चे मुझे ऑफलाइन में जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं मेरा टीचिंग लेवल बहुत हाई है। बच्चा कभी ये नहीं कह सकता कि सर लो लेवल पढ़ा रहे। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को समझाने के लिए बच्चा सामने नहीं होता है तो मालूम नहीं क्या डाउट आ रहा है, इसलिए मैं चीजें डिटेल में रख देता हूँ, ठीक है। ऐसे मैंने बोला भी 4 = 5, तो 1 = 5/4, तो 5 = 25/4, कोई डाउट कर रहा हूँ। 4 = 5, तो 1 = 5/4, तो 5 = 25/4, देखा जा तो मेरा तो यहाँ से काम बन गया, इनकी अब टेंशन ना, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ से यही चाहिए। लेकिन अगर मान लो इनसे मुझे ये चाहिए होता, यहाँ की कहानी तो मेरी खत्म होगी, समझना मेरी बात। अब मैंने बोला जब कहानी खत्म होगी तो मुझे मालूम है भाई इसमें ना मुझे 4 से गुणा करना, तो देखो अगर मुझे इसमें भी कुछ चाहिए तो 4 से गुणा कर लेना चाहिए, नहीं चाहिए तो फिर टेंशन नहीं। तो मैंने बोला 4 से गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा सर 2 × 18 = 25, वहां का गुणा देखा जाएगा, तो 18, 25, 20, 30, 40, 43 रेशियो आ गया, यानी देखा जाए तो ये 43 रेशियो, तो एक रेशियो कितना आ गया सर 100 आ गया, क्योंकि ये 43 है, इसका मतलब यहाँ इनकम कितनी रहेगी 1800। अब अगर मैं इसी एक रेशियो के, यानी यहाँ पे एक रेशियो कितना आ रहा है 100, क्योंकि ये सर कितना आ गया 43 = 4300, तो 1 = 100। तो अगर इसी रेशियो को मैं निकालना चाहता हूं, तो मुझे कोई पूछे कि 1 = 2019 में बताओ, तो 3 रेशियो नहीं निकाल सकते, कितना निकालेंगे 4 × 12, तो कितना आ जाएगा सर 1200, ऐसे 5 × 20 में कितना आ जाएगा 2000, ठीक है, समझ लो। तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर इसके सहारे से ये निकाला है, तो अगर ये 3 है तो ये 9/2 ही रहेगा। अगर मान लो इस 9/2 को मैं 9 बनाना चाहता हूं तो यहाँ 2 का गुणा करना पड़ेगा, आपने बोला क्यों, क्योंकि यहाँ का भी तो 2 का गुणा हुआ, ठीक है। अगर इसको 25 बनाना चाहता हूं तो यहाँ पे 4 का गुणा होगा, तो यहाँ पे 4 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है सर। आगे बढ़ते कुछ और क्वेश्चन में रहता हूं, कुछ क्वेश्चंस में रख देता हूँ थोड़ा आपकी, जो बच्चे थोड़ा सा ऑलरेडी चीजें कर रखे तो स्किप करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जहां अच्छा लग रहा होगा उनको। मैंने एक क्वेश्चन और रखा है, जी कह रहा है 2010 में ए और बी की इनकम के रेशियो सर कितने थे, ए और बी की इनकम के रेशियो 6:5 थे, यानी 2010 में ए और बी की इनकम के रेशियो सर कितने थे सर 6:5, जी कह रहे हैं। जबकि 2010 और 11 में इनकी इनकम के जो रेशियो निकल के आए वो कितने निकल के आए सर 3:5, समझना। अब आप समझदार हो गए तो अपने पास हिंट के लिए देख लिया करो कि भैया यहाँ 3:5 है, और ये कितना है सर, ये कितना दे रखा है, अगला दे रखा है 4:3। अब समझना कहना क्या चाह रहा, देखते क्या कहना चाह रहा। 2011 में
इनकी इनकम बतानी है दोनों की अलग अलग। जी कह रहे 2010 में इनकी कंबाइंड इनकम कितनी थी सर? कंबाइंड इनकम यानी ए प्लस बी का 6 और 5 का सम कितना दे रखा था? 8800। ठीक है 8800 8800। तो मुझे ये मालूम है। अब इसके सारे से ये निकालना, यानी इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मुझे इन रेशियो में यूज करना है। मतलब इसका मतलब इनको और इनको इंडिपेंडेंट नहीं कर सकता मैं। इससे इसको निकालूंगा, अगर इसमें कुछ छेड़खानी कर रहा हूं तो इसमें भी करूंगा, इसमें कर रहा हूं तो इसमें ही करूंगा, तभी इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकल के आएगा वो इसमें यूज हो पाएगा सर। ठीक है, समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तो मैंने बोला देखो निकालो, मैंने बोला 3 बराबर 6 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2, तो 5 बराबर 5 दूनी 10। ऐसे ही मैंने बोला 4 बराबर 5 कितना 4 बराबर 5, 1 बराबर 5/4 तो 3 बराबर 15/4। अब मैं ये समझ गया कि भैया 4 एक्स्ट्रा में है तो ऊपर भी 4 का होना और नीचे भी 4 का होना। ये कितना रेशियो आ गया समझना, 4 बिगड़ गया 4 × 40 40:15 ये आ गया, 24:25 ये आ गया, 24:25 ये आ गया, 5 कितना आ गया 24:5 20। ठीक है, ये जोश जोश में थोड़ा एक आध गलती मेरे से होती है। तो भैया ये 24 और 20 कितना आ गया, देखो 24 और 20 44 44 रेशियो कितना ले रखा है 8800। तो मुझे मालूम है 44 दूनी कितना होता है 88, तो यानी यहाँ का एक रेशियो 200 के बराबर। तो यहाँ का देखो मुझे मालूम है इसमें और इसमें रेशियो भैया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सेम काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो इसमें मैंने किया वही इसमें किया। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं तब तक आप सही हो जब तक इसका और इसका रेशियो 3:5 का बना हुआ। तो मैं देखता हूँ 24 और 40 में 3:5 का रेशियो, अगर 3:5 का रेशियो तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें यूज कर सकता हूँ। अगर नहीं है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं लोचा किया। तो बोलो कैसे, 8 से काट दो 8 दिया 24 और 8 = 40 यानी कहानी बनी हुई है। इसका मतलब ये 2 4 8 8000 ये आ गया और 15 × 30 3000 यानी आंसर कितने आ गए 8000 और 3000। ठीक है सर, समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी एक से दूसरा यूज करना है तो इनका आपस का लिंक खत्म नहीं होना चाहिए। एक सवाल और, 3 रेशियो का रख दे रहा हूँ। अब मुझे उम्मीद है थोड़ा आप समझ गए होंगे, बाकी आप प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस की कोई डाउट है तो मुझे टेलीग्राम चैनल का पूछ सकते हो, या फिर मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, या फिर हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। पहले थोड़ा सा कंटिन्यू करो, चीजें समझो। ठीक है, एक साल पहले अब मैं आपको 3 रेशियो वाला कर रहा हूँ, जिसमें 3 रेशियो एक सवाल और कर दे रहा हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक साल पहले मतलब ये कह रहा है एक साल पहले ए बी और सी की इनकम के जो रेशियो थे वो सब कितने थे 3:4:6। एक साल पहले आप कुछ ही मान लो, आप 2019 मान सकते हो अपने रेफरेंस के लिए, 2020 मान सकते हो, कुछ ही मान लो, 2001 मान लो, 1988 मान लो, अपना जन्मदिन मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, 3:4:6 ये कह रहे हैं। और क्या बोल रहा है, उनका प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर इनकम और करंट ईयर इनकम के रेशियो दे रखे सर, लास्ट ईयर और करंट ईयर क्या क्या दे रखे सर, 2:3। आप जहां चाहो वहां लेते, और क्या दे रखे 2:5, और क्या दे रखे 3:4, और क्या दे रखे 3:4, और क्या कह रहा है उनकी लास्ट ईयर यानी ये वाली लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर इनका सम दे रखा कितना 104,000 यानी 10,400। करंट ईयर इनकम ऑफ सी पूछा है यानी इसकी करंट ईयर इनकम यानी यहाँ जो आएगा वो पूछा है, और किससे पूछा है इससे, इसका उनका रिश्ता खराब नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि अभी इस रिश्ते से काम है, पहले इससे ये रेशियो निकालेंगे। ठीक है, वो रिश्ता फिर हमें यूज भी करना, तो समझना कैसे, जानने की कोशिश करना सर मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे मालूम है ये निकालना, सिर्फ इसको निकालने से काम नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे मालूम है इनके आपस में सारे रिश्ते भी बनने चाहिए। तो मैंने बोला अगर मैं आपसे पूछूं कि तीनों का रेशियो मान लो, मैं आपसे निकलवाना चाह रहा हूँ इन तीनों का रेशियो बता दो, किसका करंट में, करंट मतलब 2020 का, तो आप कैसे निकालेंगे? मैं बोलूंगा भैया 2 बराबर 3 समझना, क्योंकि ये 2 है तब ये 3 है, तो मैंने बोला मेरा 2 या 3 दे रखा, तो 2 बराबर 3 तो 1 बराबर 3/2 तो 3 बराबर 3 = 9/2। मैंने बोला 2 बराबर 4 तो 1 बराबर 2 तो 5 बराबर 10 याद सा हो जाएगा। आपने बोला ये 2 बराबर 4 1 बराबर 2 तो 5 बराबर 10। मैंने बोला 3 बराबर 6 तो 1 बराबर 2 तो ये कितना 4 बराबर 8। कोई नाराजगी, कोई नाराजगी सर?
मैंने बोला देखो यहाँ दो है, यहाँ भी मैं दो का बड़ा कर लू थोड़ा सा, तो यहाँ दो का बड़ा करोगे तो देखो ये तो नौ तो नौ ही बना रहेगा, इस 10 × 20 हो जाएगा, ये 8 × 16 हो जाएगा, ये देखो कितने हो गया। तो मुझे तो ये 16 रेशियो चाहिए, ये कितना आ गया 4, 6 और 4, 10 और 3, 13, 13 × 26 यानी 26 रेशियो मेरा कितना दे रखा 1040, समझ लो 1040। मुझे मालूम है कि 26 का 4 गुना मेरा कितना होता है सर 104 होता है, तो मुझे बता 16 रेशियो कितना होगा, 16 × 4 = 64 कितना आया सर 16 × 4 = 64 यही मेरा आंसर। समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी बच्चे एक बार जब आप सीख लेते हो, मैंने यही बोला है जब मैं क्वेश्चंस में जब मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ जनरली मेरी क्लासेस में भी, तो मैं थोड़ा सा काफी चीजें डिटेल में रख देता हूँ, तो बच्चा सोचता है इतना डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। मेरा मानना ये रहता है कि सर एक बार चीजें आपको गहराई में पता, हमेशा ध्यान रखना बच्चे, नंबर उन्हीं बच्चों के अच्छे जाते हैं जो डिटेल की चीजें अच्छे से जानते हैं, करते नहीं है लेकिन जानते हैं, गहराई सब पता होनी चाहिए, बाकी जब सॉल्व कर रहे हो तो अपने आप स्टेप करने लग जाते हैं, ठीक है।